हेलो एंड वेलकम टू एक्जाम क्वेस्ट टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द इमार्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ ट्वेंटी सिक्स एंड ट्वेंटी सेवें नवंबर दैट केम इन द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ पेपर्स फॉर यू पी एस सी पॉइंट ऑफ व्यू सो लेट स्टार्ट पहली न्यूज़ है गेट अ फ्लाइट लाइक फील ऑन वंदे भारत ट्रेन सून तो बेसिकली रेलवे जो है इंडियन रेलवेज जो है उन्होंने बेसिकली एक यात्री सेवा अनुबंध स्कीम लॉन्च किया है एक पायलट प्रोजेक्ट रेल लॉन्च किया है सदर्न रेलवे में ठीक है जिसमें कि छः वंदे भारत ट्रेन्स कवर की जाएंगी ठीक है एंड इसका मेजर एम क्या है कि जो ऑन बोर्ड सर्विसेज है ट्रेन पे जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं उनको वर्ल्ड क्लास लेवल तक पहुंचाना तो पहले हम लोग वंदे भारत ट्रेन के बारे में समझेंगे कि वंदे भारत ट्रेन्स जो हैं वो क्या हैं किस तरीके से बनी हुई हैं कहाँ बनी हुई हैं एंड सेकेंड वील डिस्कस अबाउट द यात्री सेवा अनुबंध स्कीम तो पहली ये वंदे भारत ट्रेन तो इन्हें पहले ट्रेन 18 भी बोला जाता था ठीक है वंदे भारत ट्रेन को पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था ठीक है ये इंडिया की सबसे फास्टेस्ट इंडिजिनस ट्रेन है फास्टेस्ट ट्रेन नहीं है बट फास्टेस्ट इंडिजिनस ट्रेन है ये इसे बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में ठीक है मेक इन इंडिया प्लान जो हमारा इनिशिएटिव है इंडिया का उसके तहत इसको बनाया गया एंड पहली वंदे भारत ट्रेन जो है 2019 में लॉन्च की गई थी बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वाराणसी ठीक है इसमें बहुत सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दी हुई हैं जैसे कि ऑन बोर्ड वाईफाई एंटरटेनमेंट है ठीक है जीपीएस के बेस्ड बेस पर बेस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम इसमें प्रोवाइड किया गया है सीसी टीवीज़ हैं बायो वैक्यूम टॉयलेट्स हैं ठीक है और उसके अलावा रोटेटिंग चेयर्स हैं एग्जीक्यूटिव क्लास में दो क्लासेज है इसमें पहली है एग्जीक्यूटिव क्लास जैसे कि अगर आपने एयरप्लेन में आपने देखा होगा कि दो क्लासेज होती है एक तो बिजनेस क्लास, तो क्लास होता है एक इकोनॉमी क्लास होता है बिजनेस क्लास हैज़ मोर फैसिलिटीज़ इकोनॉमिक क्लास में कंपैरेटिवली कम फैसिलिटीज़ होती है सीटिंग उतनी कंफर्टेबल नहीं होती है या क्लोज होती है तो इसमें बेसिकली दो ही क्लासेस हैं फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव क्लास दैट परटेन्स टू द बिजनेस क्लास इन एयरप्लेन्स एंड चेयर कार जो कि इकोनॉमिक क्लास की तरह प्रोवाइड करेगा इन सारी सर्विसेज ठीक है इसका एक इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम भी है इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब ये है कि जब ब्रेक्स लगेंगे तो एनर्जी जो है वो कम खपत होगी एंड जब एनर्जी कम यूज़ होगी तो दैट विल बी एनर्जी इफिशियंट ठीक है वन मोर थिंग इज दैट कि इट इज द फर्स्ट लोकोमोटिव लेस ट्रेन इन द कंट्री इंजन लेस ट्रेन है लोकोमोटिव को सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो इंजन होता है ठीक है तो ये लोकोमोटिव लेस ट्रेन है ठीक है इसमें बेसिकली डीजल इलेक्ट्रिसिटी से जो है इंजन वर्क नहीं करता है जो कि पूरी ट्रेन को नहीं खींचता है ठीक है अब हम डिस्कस करेंगे यात्री सेवा अनुबंध के बारे में तो यात्री सेवा अनुबंध जो है इंडियन रेलवेज ने इंट्रोड्यूस किया ठीक है एंड इसे सदन रेलवे की छः वंदे भारत ट्रेन्स पर इंट्रोड्यूस किया गया इसके तहत फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड की जाएंगी ठीक है कि जो ओरिजिनेटिंग और टर्मिन आ, टर्मिनेटिंग स्टेशन है यानी जहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो रही है जहाँ पे ट्रेन एंड हो रही है इनके बीच में क्या क्या सर्व इसके लिए क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड होंगी पहला है स्टेशन से कैब फैसिलिटी मिलेगी ठीक है जो भी पर्सन वंदे भारत ट्रेन से जा रहा है उसको जो है तो जो कैब फैसिलिटी है टैक्सी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी इसके अलावा जो स्पेशली एबल्ड पैसेंजर्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली व्हील चेयर्स प्रोवाइड की जाएंगी बग्गी ड्राइव्स प्रोवाइड की जाएंगी ठीक है उसके अलावा जो ट्रैवल एसेंशियल्स और एक्सेसरीज हैं उनको भी एक्सेस करने का परमिशन मिलेगा पैसेंजर्स को ठीक है उसके अलावा जो ऑन ऑन बोर्ड इन्फोटेनमेंट सिस्टम है वाईफाई सर्विसेज है उसमें क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड होगा ठीक है उसके अलावा इसमें जो है पैसेंजर्स को इन्फॉमेशन दी जाएगी डेटा प्रोटेक्शन के बारे में ब्रॉडकास्टिंग और आई के बारे में ठीक है एंड उसके अलावा एक एक्सक्लूसिव फूड मेन्यू प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें कि पैसेंजर्स के पास में राइट टू चूज होगा वो अपनी मर्जी का खाना खा सकते हैं ठीक है ठीके? इसके लिए स्पेसिफिकली जो है कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे केटरर्स को क्वालिटी कंट्रोल होगा हाइजीन कंट्रोल होगा ये सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाएगी सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो इन दिस न्यूज यात्री सेवा अनुबंध स्कीम एंड सेकेंड इज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ठीक है सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इंडियन अटालियन फर्म्स टू जॉइंट सेटअप ज्वाइंट वेंचर इन द तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर ठीक है तो इंडिया की एक फर्म है मर्लिन हॉक एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड उन्होंने एक जेवी साइन किया है ज्वाइंट वेंचर साइन किया है इटली की वेगा कंपोजिट्स एसआरएल के साथ में कंपनी है और इसका काम क्या है ये क्या होगा ये एमओ जो ये बेसिकली जो अग्रीमेंट है ज्वाइंट वेंचर का उसके तहत क्या होगा कि एक मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन फैसिलिटी जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी इन द तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर जो रीजन है ठीक है डेडिकेटेड रीजन जो है तमिलनाडु का वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइन फैसिलिटी बनाई जाएगी ठीक है इसका काम क्या है इसका ये है कि जो मार्केट इंडिया जो है अभी डेवलपिंग कंट्री है इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है अलग अलग सेक्टर्स में तो उस ग्रोइंग मार्केट को टैप करना और साथ ही एक्सपर्टी डिज़ाइन एक्सपर्टी को जो है डेवलप करना ठीक है ये इसके जो है बेसिकली एम रहेगा किन किन टारगेट एरियाज पर जी ये जो जे है इसके तहत काम किया जाएगा फर्स्ट इज एरोस्पेस ठीक है सेकेंड इज मरीन लैंड रेलवे एंड हाइड्रोजन स्टोरेज एंड फ्यूल सेल मार्केट्स तो ये पांच सेक्टर्स हैं जिनके अंदर जो है इस एम के तहत इस अग्रीमेंट के तहत जो है बेसिकली जे वी अग्रीमेंट जो है उसके तहत काम किया जाएगा ठीक है सो दैट इज द ओनली न्यूज़ इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज दिस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आदित्य एलवन में एंटर ऑर्बिट ऑन जैन सेवन इसरो तो इसरो ने हाल ही में ये बोला है कि जो आदित्य एलवन सोलर प्रोप जो कि इन्होंने लॉन्च की थी ठीक है वो एलवन पॉइंट में के आसपास के ऑर्बिट में ये एलवन पॉइंट है बिटवीन अर्थ एंड सन एकदम एकदम लाइन में है इस पॉइंट पे जनवरी सेवन के आसपास जो है हमारा आदित्य एलवन प्रोब जो है वो इसके और एलवन पॉइंट को ऑर्बिट करने लग जाएगा पांच एल्वन लैंग ला, यहां पे जो वर्ड है ये लैंग्रेंजियन के लिए है ठीक है लैग के लिए तो ये लैंग्रेंज पॉइंट्स होते हैं ठीक है ये पांच एलवन एल पॉइंट्स हैं हमारे लैंगरेज पॉइंट्स हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं ठीक है और इसमें पहला है एल्वन और यहाँ पर हमने हमारी आदित्य सोलर प्रोप को इसी ऑर्बिट में लॉन्च करने का प्लान किया है अभी मैं आपको बताऊंगी ये लैंग्रेंज पॉइंट्स कौन कौन से हैं और किस तरीके से काम करते हैं पर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आदित्य एल के बारे में तो आदित्य एल जो है ये एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन जो है उसके तहत दूसरा प्रोजेक्ट है एस्ट्रोसेट पहला था जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था एंड दिस इज द सेकंड एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन ठीक है इसका काम क्या है ये 1.5 मिलियन किलोमीटर्स डिस्टेंस से सन की स्टडी करेगा सन के कोरोना फोटोस्फेयर की यानी सर के जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको स्टडी करेगा अच्छे से ठीक है अभी ये टेंटेटिव डेट ये रखी गई है कि 125 डेज लगेंगे आदित्य एलवन को एलवन पॉइंट पे पहुंचने में ठीक है मार्स और ये बाकी जो हमने मंगलयान छोड़ा इसके कंपेरिजन में कम टाइम लगेगा एलवन तक पहुँचने में ठीक है ये ध्यान रखेगा अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लैंगरेंज पॉइंट उससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसका एम क्या है जो सन का कोरोना है फोटोस्फेयर है क्रोमोस्फेयर है इन सबको ये स्टडी करेगा उसके अलावा जो सोलर विंड्स हैं जो कि अर्थ की तरफ आती है उन सोलर विंड्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है अर्थ के एटमोसफेयर पे उसके बारे में ये जो है सारी इंसाइट्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ठीक है अब लैंग पॉइंट्स क्या हैं ये समझिएगा आप लैंग पॉइंट्स बेसिकली स्पेस में वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी और सन की ग्रेविटी दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं यानी कि अगर एक्स फोर्स लगा रहा है सन तो एक्स ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा अर्थ तो ड्यू टू दैट दिस द नेट फोर्स विल बी जीरो एंड दैट पॉइंट विल हैव एन इक्विलिब्रियम ठीक है तो यहां पर क्या होगा बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे रहता है लैग पॉइंट्स पे रहता है उनमें कोई खास फ्यूल का रिक्वायरमेंट के बिना ही इट कंटिन्यूज टू मेनटेन इट्स ऑर्बिट ठीक है मैंने अभी आपको पहले बता दिया ऑलरेडी कि पाँच लैगरेंज पॉइंट्स हैं ठीक है ठीके? उन पाँचों लैगरेज पॉइंट्स के बारे में मैं आपको एक बार बता देती हूँ तो एल वन पॉइंट की अगर हम बात करें तो एल वन पॉइंट जो है दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दिस इज द एल वन लैगरेंज पॉइंट ठीक है ये एलवन लैगरेंज पॉइंट है ठीक है और ये अर्थ और सन के बीच में जो है लोकेटेड है इसका एक फ़ायदा ये है कि L1 लैंग्रेज पॉइंट पे जो भी सैटेलाइट है उसको सन को बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के स्टडी करने में बिल्कुल हेल्प मिलेगी ठीक है L1 लैंग्रेज पॉइंट पे जो भी सैटेलाइट होता है उसको सन को स्टडी करने में बहुत ईजी रहता है कोई भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता यहाँ पर एक सोलर एंड हीलियोस्पेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जो है वो भी इसी जगह पे लोकेटेड है L2 की बात करें तो L2 टू बेसिकली अर्थ के जस्ट पीछे आपको यहां दिख रहा है ठीक है इधर L2 टू पॉइंट आपको दिख रहा है दिस इज L2. टू लैगरेज पॉइंट इज जस्ट लोकेटेड बिहाइंड द अर्थ ठीक है एंड ये यूनिवर्स की स्टडी करने के लिए दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अर्थ के शैडो इंटरफेरेंस के बिना ही यूनिवर्स को स्टडी करने में L2 टू लैगरेज पॉइंट इज ऑफ मच इंपॉर्टेंस ठीक है और जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो एल टू लैगरेज पॉइंट के चार तरफ ही ऑर्बिट करता है एल थ्री जो है इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द सन यू कैन सी ओवर ओ ठीक है अर्थ के ऑपोजिट में सन के पीछे है ये ठीक है इससे सन का फार साइड ऑब्जर्व करने में हेल्प मिलती है ठीक है एल फोर और एल फाइव आपको दिख रहे हैं ये पोपेंडिकुलर है ठीक है यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है देखो ये अर्थ है ये सन है ये L4 और L5 फाइव लैंगरेज पॉइंट जो हैं ये इक्विलेक्ट्रल ट्राइंगल बनाते हैं अलॉन्ग सन एंड अर्थ ठीक है बेसिकली जो एस्ट्रोइ्स को स्टडी करने वाले सैटेलाइट्स और स्पेस ऑब्जर्वेटरीज होते हैं वो L4 और L5 फाइव लैगरेज पॉइंट में बेसिकली लोकेटेड होते हैं L4 और L5 फाइव लैगरेंज पॉइंट्स ही ऐसे हैं जो कि स्टेबल है बाकी एल वन और एल ये तीन पॉइंट जो है कंपेरेटिवली अनस्टेबल हैं अनस्टेबल होने का मतलब क्या है ऐसा नहीं है कि यहां पर जो सैटेलाइट है वो बिल्कुल भी टिकेगा नहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाएगा इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा भी अगर डिस्टरबेंस होता है किसी भी तरीके का छोटा से छोटा फोर्स भी लगता है तो इस पर ऑर्बिट <coughs> <coughs> करने वाले जो सैटेलाइट्स हैं ना वो अपनी पोजिशन से हिल सकते हैं दे कैन डिविएट फ्रॉम देयर पोजिशन ठीक है और इसी वजह से यहाँ पर जो भी सैटेलाइट्स रोटेट करते हैं ऑर्बिट करते हैं इन सैटेलाइट्स को बार बार कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत होती है L4 और L5 में ऐसा कंपैरेटिवली नहीं होता तो आई होप आप सबको बेसिक समझ आ गया होगा लैगरेज पॉइंट्स का हमारा जो आदित्य एलवन मिशन है दैट विल गो ऑन टू द एलवन लैगरेज पॉइंट ठीक है बिटवीन अर्थ एंड सन राइट सो दैट इज ऑल इन दिस न्यूज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंडियन एयरफोर्स फ्लाइज मोदी ऑन अ तेजस एयरक्राफ्ट ओवर बेंगलुरु फॉर थर्टी मिनट्स तो बेसिकली अभी हाल ही में क्या हुआ है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने तीस मिनट की एल सी ए तेजस में बेसिकली जो है फ्लाइट जो है उड़ान भरी ठीक है तो पहले एक बार हम एल का मतलब समझते हैं एल का फुल फॉर्म होता है लाइट एयरक्राफ्ट ठीक है तो लाइट एयरक्राफ्ट वजन में कॉम्बेटिवली कम होता है एंड इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1984 में लाइट कॉम्बेट को एयरक्राफ्ट को जो है अपने इंस्टीट्यूशन किया था ठीक है इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयरोनोटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को स्थापित किया था अब ये एल का फायदा क्या है कि ये जो है बहुत सारे वेपन्स जो कि एयर टू एयर यानी हवा से हवा में मार करने वाले जो हैं एयर टू सरफेस अटैक करने वाले जो वेपन्स हैं प्रिसाइज्ड जो वेपन्स हैं प्रिसीजन वाले जिनमें कि डिविएट होने के चांसेस निल होते हैं ऐसे वेपन्स को कैरी कर सकता है और इसमें एक और फायदा है कि इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग केपेबिलिटी भी है कि हवा से ही जो है हवा में ही जब वो उड़ रहा है एयरक्राफ्ट तभी उसकी रिफ्यूलिंग हो सकती है सो दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स तेजस की बात करें तो इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है ठीक है एल है यानी कि लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट है तो ये बहुत हल्के होते हैं छोटे होते हैं एंड दे आर टेललेस मल्टी रोल सुपर सोनिक फायर एयरक्राफ्ट ठीक है aircraft, तो सुपर सोनिक होते हैं ये ध्यान रखिएगा और ये बहुत सारे एयर टू एयर एयर टू सर्फेस और प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स जो हैं वो होल्ड कर सकते हैं ठीक है ठीके? इनकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग केपेबिलिटी है तेजस की ठीक है इसकी जो मैन्यूवर करने की जो कैपेबिलिटी है इनको यूज़ करने की चलाने की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी एनहस्ड होती है ठीक है और इनके अंदर जो है एयरबोन रिडार भी होता है डायरेक्शन की सेंस के लिए दे हैव एयरबोन रिडार एज वेल ठीक है इसमें मैक्सिमम कितना पे ले जाया जा सकता है चार टन तक का फोर थाउजेंड किलोग्राम्स तक का जो है मैक्सिमम पे ले जाया जा सकता है इसकी स्पीड जो है वन पॉइंट एट मैक वन पॉइंट एट ठीक है वन पॉइंट एट टाइम्स द साउंड ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड स्पीड से ये ट्रैवल कर सकता है यानी कि साउंड की स्पीड से भी फास्ट ये ट्रैवल कर सकता है इसकी रेंज है एक बार फ्यूल भरने के बाद में इट कैन ट्रैवल अप टू थ्री थाउजेंड किलोमीटर्स तो इसलिए डिफेंस के मामले में एल सी ए तेजस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसके बहुत सारे वेरियंट्स आ गए हैं एल सी ए तेजस कैरियर आ गया है तेजस मैप थ्री आ गया है तो यह हमें नहीं जानना है बस हमें एल सी ए तेजस के बारे में पता होना चाहिए सो दैट इज ऑल इन दिस आर्टिकल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एट मंथ्स ऑन स्टेट वेट फॉर थ्री एच पी टी बी प्रिवेंटिव ड्रग तो अभी आठ महीने पहले क्या था हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक टी बी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जो है वो लॉन्च किया था ठीक है इसका जो ड्यूरेशन है इसका जो कोर्स है पूरा वो काफी कम स्मॉल टाइम का था इसे उन्होंने थ्री एच पी बोला था ठीक है इसमें क्या है कि वीकली जो है बारह हफ्ते हर वीक जो है एक आइसोनियाज रिटा पेंटिन रिटा पेंटिन का जो है बेसिकली डोज लेना होता है ठीक है लेकिन स्टिल बहुत सारे स्टेट्स जो हैं उन्हें इसका ड्रक नहीं मिला है थ्री एच का कॉम्बिनेशन ड्रग जो है वो नहीं मिला है नहीं मिलने की वजह से तमिलनाडु और केरला ने तो अपने ही लेवल पे थ्री एच जो ट्रीटमेंट है थेरेपी जो है वो स्टार्ट कर दी है ठीक है याद रखिएगा टी बी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है ये टी ना हो उसके लिए है ठीक है अब इसके बेनिफिट्स क्या है <coughs> तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बारह हफ्ते तक हर हफ्ते का एक डोज लेना है ठीक है तो इसमें केवल तीन महीने का ट्रीटमेंट है ये अगर नॉर्मल आइसोनियाजिड मोनोथेरेपी लें इसमें देखिए आइसोनियाजिड और एक और ड्रग है वो है राइफा पेंटिंग ठीक है ये दो हैं तो इसमें एफिशिएंसी जो है ज्यादा हो जाती है तीन महीने का ट्रीटमेंट है जबकि अगर खाली आइसोनियाजिड ट्रीटमेंट लिया जाए तो दैट इज फॉर सिक्स वीक्स सिक्स मंथ्स ठीक है और इसमें हंड्रेड डोजेज लेनी पड़ती है जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है एक वीक की केवल एक डोज लेनी यानी बारह वीक की बारह डोजेज लेनी है तो डोजेज भी बढ़ गई एंड सेकेंडली ड्यूरेशन भी ट्रीटमेंट का ज़्यादा है ठीक है तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो हमें जानने पहला बेनिफिट ये है कि क्योंकि बारह ही डोजेज हैं तो इसके एडवर्स इफेक्ट देखिए कोई भी दवाई ली जाती है तो उसके साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली होते हैं तो क्योंकि बारह ही डोजेज हैं तो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस जो हैं कंपैरेटिवली कम हैं एंड इसका कंप्लायंस भी बेटर होता है ठीक है दूसरा कि जब हम छोटे टाइम के लिए कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो दैट मतलब उसमें क्या होता है ट्रीटमेंट प्रॉपरली लिया भी जाता है और ट्रीटमेंट कंप्लीशन रेट भी ट्वेंटी परसेंट ज़्यादा देखने को मिल रही है फॉर दिस ठीक है यानी कि इसको ऐसे समझिए कि हम लोग एक नॉर्मल एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो मान लीजिए अगर आपको कोल्ड हो गया है तो आप तीन दिन का ट्रीटमेंट लेते हैं यू टेक इट प्रॉपरली क्योंकि छोटे ड्यूरेशन का है एंड आप ठीक हो जाते हैं बट वहीं अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें तो दैट इज ऑफ लॉन्ग टर्म दो महीने तीन महीने चार महीने छः महीने डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिजीज इट टेक्स टाइम तो उसका कंप्लायंस या उसको कंप्लीट करने के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं सो so, यही इस चीज़ में इस वाले आर्टिकल में दिया हुआ है ठीक है दूसरा कि अगर प्रिवेंटिव थेरेपी है तो अगर प्रिवेंटिव थेरेपी है तो इससे क्या होगा टीबी के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे ठीक है ये एक इसका फायदा है दूसरा बाकी हेल्थ कंडीशंस को भी प्रॉपर चेक किया जाता है इससे पहले थ्री एच पी ट्रीटमेंट देने से पहले ठीक है अगर मान लीजिए वैसे प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है मान लीजिए मेरे घर में अगर किसी को टीबी है तो मुझे वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दिया जाएगा ताकि मेरे चांसेस जो हैं टीबी कॉन्ट्रैक्ट करने के बिकॉज इट इज़ अ एयर बॉन्ड डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये तो उसकी चांसेस कम्पेरेटिवली कम हो जाते हैं तो जो थ्री एच पी ट्रीटमेंट लेते हैं उनको टी बी इन्फेक्शन जो, जो, जो बेसिकली जो है उनका हाउस होल्ड कॉन्ट्रैक्शन के चांसेज कंपेरेटिवली कम हो जाते हैं ठीक है उसके अलावा अगर एक बार प्रॉपरली थ्री एच पी ट्रीटमेंट ले लिया गया तो उससे टी बी प्रोग्रेशन का जो रेट है वो काफ़ी सालों तक दबाया जा सकता है हॉल्ट किया जा सकता है ठीक है तो यही इस चीज़ में लिखा हुआ है इस आर्टिकल में बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं दैट के मन येस्टर्डेज द हिंदू न्यूज़पेपर बेसिकली संडे को साइंस की न्यूज़ बहुत सारी आती है तो उसमें ही यह दिया हुआ था सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस आर्टिकल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर की एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कोस्टल फ्लेवर कंबाला मेक्स अ स्प्लैश इन बेंगलुरु ठीक है तो अब बेंगलुरु में दो दिन का कम्बाला इवेंट जो है वो चालू हुआ है बफ कंबाला का सिंपल लैंग्वेज है सिंपल uh, टर्म है बफलो रेस ठीक है तो कंबाला आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो ये क्या है एक ट्रेडिशनल बफ्लो रेस है रेस है ठीक है जो कि कर्नाटका के कोस्टल रीजन्स में होती है ठीक है तो ये मतलब बहुत एंशियन प्रैक्टिस है इसमें क्या होता था कि बफलोस की रेस करवाई जाती थी टू थैंक द गॉड्स फॉर गुड हार्वेस्ट ठीक है भगवान को शुक्रिया करने के लिए ये जो है रेस करवाई जाती थी बिटवीन बफलोस इसमें क्या होता है कि दो बफलोस को एक प्लो लाइक डिवाइस ही आपको दिख रहा है ये प्लो लाइक डिवाइस के साथ में जोड़ा जाता है ठीक है और इसको उनका जो फार्मर है यानी उनको जो पालता है बफेलोज का जो ओनर है यूजुअली वही उनको कंट्रोल करता है ठीक है ये रेस जो होती है इसमें क्या होता है कीचड़ वाले पानी वाले एरिया में यूजली पैडी फील्ड जो होती है वहां पर ये रेस कंडक्ट की जाती है ठीक है नाउ कम्बालाज आर ऑफ टू टाइप्स पहली है पुकेरे कम्बाला एंड दूसरी है बारे कंबाला तो पुकेरे कम्बाला में क्या होता है कि जो बफलोज होते हैं उनको एक ही प्लो से ये आपको प्लो दिख रहा है ये जो आपको इधर एक प्लो दिख रहा है ये लाइन से ये जो लकड़ी का एक तरीके से टुकड़ा दिख रहा है तो एक सिंगल प्लो होता है और ये रेस एकदम स्ट्रेट लाइन में होती है बारे कंबाला में बेसिकली क्या होता है वुडन प्लैंग से जोड़ दिया जाता है और इसमें क्या होता है कि दो पेयर और बफलोज है वो साइड बाई साइड यानी यहाँ पर एक पेयर है यहाँ एक और पेयर होगा दे विल फाइट साइड बाई साइड तो ये दो तरीके के कंबालाज होते हैं दैट इज ऑल यू नीड टू नो इन दिस आर्टिकल प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ठीक है मेन्स में अगर आ सकता है तो एनिमल क्रूअल्टी जली काटू के बारे में आपने सुना होगा तो एनिमल क्रूएलिटी के रेस्पेक्ट में आप इसको स्टडी कर सकते हैं राइट सो नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑफ क्वालिटी अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री स्टार्ट डेटा पोर्टल ऑन सिटीज़ फॉर पॉलिसी मेकिंग तो बेसिकली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो हैं वो इंडियन सिटीज से बेसिकली डेटा जो है वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे जो है जिसे बोला जाएगा एम्पलीफाइड टू पॉइंट टो ठीक है सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं ठीक है तो यूनियन मिनिस्ट्री जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने बेसिकली ये सिंगल प्लेटफॉर्म पर सारे डेटा को रिलेटेड टू द पीपल द अर्बन इंडिया ठीक है वो सारा डेटा उस सिंगल प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे उसका फायदा क्या होगा कि जो रिसर्चर्स हैं जो अकेडमिक्स हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक ही जगह पे सारा डेटा अवेलेबल हो जाएगा ठीक है तो ये इसमें एम्पलीफाइड टू पॉइंट टू पोर्टल इज इम्पोर्टेंट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इंडियन सिटीज़ पर डेटा प्रोवाइड करने के बारे में इसका जो है बेसिकली इसका एम है ये इंडियन सिटी से सारा रॉ डेटा को लेंगा और उसको स्टेक होल्डर्स के लिए ओपन कर देगा ठीक है इस पोर्टल पे वन फिफ्टी सिटीज़ का डेटा अभी वर्तमान में अवेलेबल है एंड इसको टू हंड्रेड एंड फिफ्टी एन फिफ्टी एट अर्बन लोकल बॉडीज़ ने जो है इसको ज्वाइन करने के लिए अग्री कर दिया है दे हैव ऑन बोर्ड इट ठीक है इसमें क्या क्या चीज़ें बेसिकली इंफॉर्मेशन क्या क्या है मिलती है पहला है कि कितना डीजल कंजम्पशन है ठीक है वहाँ पर वाटर क्वालिटी के लिए कितने सैम्पल्स कलेक्ट हो रहे हैं तो वाटर क्वालिटी नॉर्म्स को सेटअप करने के लिए डीजल कंजम्पशन के लिए ठीक है वो सारा डेटा जो है एम्पलीफाइड टू पॉइंट ओ पोर्टल पर मिलेगा सो दैट इज ऑल इन दिस आर्टिकल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑलवेज एक्टेड एज पीपल पीपल्स कोर्ट सी जे आई ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे तो आपको पता है छब्बीस नवंबर को हर साल जो है दो हजार पंद्रह से वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन डे एंड येस्टर डे वॉज अ डे ठीक है तो इसी के रिस्पेक्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे उन्होंने ये बोला है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमेशा से लोगों का कोर्ट रहा है पीपल का कोर्ट रहा है जहाँ पर लोग आसानी से आ सकते हैं एंड अब हमारी जनरेशन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्वेजन किया था द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी अब हमारे यूथ को आज की जनरेशन को इस आइडिया को आगे बढ़ाना है ठीक है अब कॉन्स्टिट्यूशन डे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन हम लोग जो है नेशनल लॉ डे भी मनाते हैं राष्ट्रीय विधि दिवस जिसे हम बोल सकते हैं ठीक है इस दिन क्या हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों बोलते हैं इसको क्योंकि उसे दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी इंडिया की उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया था फुल फोर्स में 26 जनवरी को 1950 फिफ्टी तो आ गया था लेकिन कुछ आर्टिकल्स इस दिन ही से ही लागू हो गए थे ठीक है एंड 2015 हजार पंद्रह से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 2015 से एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पामेंट वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग 26 नवंबर एवरी ईयर एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे ठीक है, बिहार डिमांडिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो हाल ही में बिहार कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया ठीक है ठीके? उसमें क्या है बेसिकली अभी आपको बताया कि हाल ही में बिहार ने जो है कास्ट बेस्ड सर्वे 2022 की जो है फाइंडिंग्स निकाली थी ठीक है और उसमें यह दिखाया था कि जो वन थर्ड पॉपुलेशन है यानी 33 परसेंट पॉपुलेशन जो है बिहार की इट इज़ लिविंग इन पॉपर्टी पॉवर्टी बी पी एल लाइन के नीचे आती है वो ठीक है तो इसी वजह से बिहार ने जो है एक तरीके से रेजोल्यूशन तैयार किया है कि हमें भी लाइक आंध्र प्रदेश वी ऑल्सो नीड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस तो यहाँ पर ये यह जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाला जो टर्म है ना दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्या मतलब होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो टर्म है इट वॉज ब्रॉड टेन या इंट्रोड्यूस्ड इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन ठीक है बेसिकली उस टाइम क्या हुआ था जो हमारा फिफ्थ फिनेंस कमीशन था उन्होंने बोला कि जो डिसएडवांटेज स्टेट्स हैं उनको कुछ प्रेफरेंशियल या स्पेशल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है ठीक है और जिस स्टेट्स को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा उन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स बोला जाएगा ठीक है इसमें क्या होगा कि असिस्टेंस अलग तरीके से मिलता है बाकी स्टेट्स के कम्पेरिजन में ठीक है अब इसका क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बताती हूँ उन स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के उसमें लाया जाएगा कैटेगरी में जिनका हिली या डिफिकल्ट टेरेन है लाइक द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है या मेजरली एक ट्राइबल पॉपुलेशन है बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन है ठीक है जिनकी इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो कि इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर बहुत बैकवर्ड है ठीक है जिनके स्टेट फाइनेंसिस इतने नहीं हैं कि वो स्टेट का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें सो so, ये पांच क्राइटेरिया जो हैं बेसिकली दिए गए थे शुरुआत में जब 1969 में फिफ्थ फिफ्थ कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी थी स्पेशल कैटेगरी स्टेट की तो उस टाइम पे तीन स्टेट्स को फर्स्ट वाइज जम्मू एंड कश्मीर वो पहले स्टेट ही था असम और नागालैंड उन्हें सब स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस दे दिया गया लेकिन बाद में हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम सिक्किम त्रिपुरा इन्हें भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिया गया एंड बिकॉज ऑफ द हिली एंड डिफिकल्ट एरिया ऑफ हिमाचल एंड उत्तराखंड दे वर ऑल्सो प्रोवाइडेड द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ठीक है बेनिफिट्स क्या होते हैं देखो पहले क्या होता था कि पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो थे उन्हें बेसिकली गार्डगिल मुखर्जी फार्मूला के अकॉर्डिंग जो हैं सारे ग्रांट्स मिलते थे यानी कि जो टोटल असिस्टेंट स्टेट प्रोवाइड कर रही है मान लीजिए हंड्रेड रुपीज प्रोवाइड कर रही है सारे असिस्टेंस पूरे स्टेट्स को उसका थर्टी परसेंट जो था दे दैट वाज ईयर मार्क्ड फॉर द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स लेकिन बाद में क्या हुआ आपको पता है प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया ठीक है फोर्टीन फिफ्टीन फिनंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन आई उसके बेसिस पर ठीक है ये असिस्टेंस जो था इसे डेवोल्यूशन में ही सबमर्ज कर दिया गया यानी कि आपको पता है कि अभी फोर्टी वन परसेंट यानी कि सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का सौ रुपए का फोर्टी वन रुपीज जो है वो स्टेट्स को दिया जाता है ठीक है दैट इज डेवोल्यूशन तो वो डेवोल्यूशन में ही स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को जो ग्रांट मिलती है उसमें ही इसको सब्स्यूम कर दिया गया अगर हम बात करें कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है वो यूजुअली नॉर्मल स्टेट्स में सिक्सटी फोर्टी के रेशियो में होती है ठीक है इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट में नाइन्टी टेन कर दिया जाता है कि नाइन्टी जो है नाइन्टी रुपीज़ जो है सौ में से वो तो दिए जाएंगे सेंटर द्वारा टेन रुपीज विल बी बॉर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट ठीक है तो यहाँ पर ये डिफरेंस होता है उसके अलावा कंसेशन मिलते हैं कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटीज में इनकम टैक्स रेट्स में कंसेशन मिलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स में कंसेशन दिया जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स को ताकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट हो सके इंडस्ट्रीज डेवलप हो सके और उस रीजन का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके सो दीज आर द बेनिफिट्स अटैच टू द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स सो दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो इन दिस आर्टिकल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट Antarctica's ओजोन होल एक्सपेंस मिड स्प्रिंग सिंस 2001 थाउजेंड एंड वन तो एक स्टडी हुई है और उसमें ये कहा गया है कि जो अंटार्क्टिका के ऊपर जो ओजोन है ठीक है 2004 के कंपैरिजन में उसमें आज 26 परसेंट रिडक्शन देखा गया है बीच में बेसिकली इम्प्रूवमेंट देखा गया था कहा जा रहा था कि जो ओजोन होल है वो फिल होने लग गया है लेकिन अब अंटार्टिका में दो के कंपेरिजन में छब्बीस परसेंट रिडक्शन जो है वो देखा गया है ठीक है ओजोन क्या है देखिए ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, थ्री यानी तीन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर ज्वाइन टुगेदर ये एक लोअर लेवल्स में एक पल्यूटेंट की तरह काम करती है यानी कि अर्थ के सरफेस के अगर आसपास हो ना तो दैट एक्ट्स एज अ पल्यूटेंट ठीक है एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी ये एक पल्यूटेंट की तरह एक्ट करती है लेकिन जो अपर लेयर्स होती है उन अपर लेयर्स में ओजोन एक्ट्स एज अ बून वाई बिकॉज ये सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रा वॉयलेट रेस को जो है अर्थ तक पहुंचने से रोकती है अगर ये अल्ट्रा वॉयलेट रेस सन पे पहुंच जाए तो हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें बहुत सारी डिजीज हो सकती है स्किन कैंसर के ह्यूमन में चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं ठीक है तो उसको बचाने के लिए अल्ट्रा वॉयलेट रेस से अर्थ को बचाने के लिए द ओजोन लेयर एक्ट ठीक है तो क्या होता है ना कि पंद्रह से तीस किलोमीटर जो हाइट है हमारे एटमोसफेयर की वहाँ पर एक पतली सी लेयर होती है ओजोन की ठीक है और ये जो है वायलेट रेज जो हैं सन की उनसे हमको बचाती है अब ओजोन लेयर डिप्लेशन का मतलब हुआ क्या देखो? ओजोन लेयर डिप्लेशन का मतलब ये है कि जो ओजोन की परत है वो धीरे धीरे थिन होती जाती है ग्रेजुअली थिन होती जाती है ठीक है वो होती किस वजह से क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स अपने डेली लाइफ uh, में यूज करते हैं उन कंपाउंड्स की वजह से ओजोन लेयर का जो ओ थ्री मोलिक्यूल है इट रिएक्ट्स एंड इट डिप्लीट्स ठीक है तो ये होता है ओजोन लेयर डिप्लीशन ठीक है अब ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन के लिए आज तक क्या क्या कन्वेंशन या प्रोटोकॉल्स आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वियना कन्वेंशन 1985 एटी फाइव तो वियना कन्वेंशन में बेसिकली ओजोन डिप्लीशन के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात की गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ये किस तरीके से इंटरनेशनल कोऑपरेशन किया जाएगा ओजोन डिप्लीशन पे एंड द सेकंड इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वियना कन्वेंशन के तहत ही साइन किया गया नाइनटीन में ठीक है तो इसमें बेसिकली ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज जो होते हैं ओडीएस ठीक है इन ओडीएस को बेसिकली इनके प्रोडक्शन को खत्म करने से रिलेटेड ये एक वर्ल्ड वाइड अग्रीमेंट था 1987 में ये पास हुआ था ग्रेजुअली इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए करके अब उन amendments को पढ़ते हैं। के अंदर कौन-कौन से amendments हुए तो पहला है लंडन अमेंडमेंट 1990। तो इसमें ये कहा गया कि धीरे धीरे जो क्लोरो है क्लोरो आर मोस्ट डेट्रीमेंटल टू द ओजोन क्योंकि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के साथ में रिएक्ट करके ओजोन को खत्म कर देते हैं ठीक है तो इसमें बेसिकली क्या कहा गया कि कंप्लीट फेज आउट हो जाएगा सी का हेलॉन्स का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का ठीक है कार्बन टेट्राक्लोराइड का सी का ठीक है 2000 तक इसको पूरा डेवलप कंट्रीज जो हैं इसको कम्पलीटली फेज आउट कर देंगी और डेवलपिंग कंट्री 2010 तक फेज आउट कर देगी बाद में इसमें जो है बेसिकली मिथाइल क्लोरोफॉर्म को भी बेसिकली इंक्लूड किया गया कि ये भी एक ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है एंड इट ऑल्सो हैज टू बी फेज आउट इन बाई टू थाउजेंड फाइव इन द डिवेलप कंट्रीज एंड बाई टू थाउजेंड फिफ्टीन इन द डिवेल्पिंग कंट्रीज सेकेंड अमेंडमेंट आया आफ्टर टू ईयर्स ऑफ लंडन अमेंडमेंट नाइनटीन नाइनटी टू में कोपेन हेगन अमेंडमेंट ठीक है इसमें कहा गया कि एक तो स्पीड हमें तेज़ करनी पड़ेगी सी एफ सीज की हम लोगों ने जो डेडलाइंस रखी हैं वो काफ़ी नहीं है हमें पहले ही इसको फेज आउट करना होगा और साथ ही उन्होंने एच सी एफ सीज हाइड्रोक्लोरोलोरोबनस इनको भी जो है डेवलप uh, कंट्रीज को इनको भी फेज आउट करने के लिए कहा गया 2004 में ठीक है इसके तहत जो है डेवलप कंट्रीज को 1996 तक हेलोन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड मिथाइल फ्लोरोफॉम और सी एफ को फेज आउट करना था ठीक है उसके अलावा मिथाइल प्रोमाइड जो है ठीक है इसके कंजम्पशन को भी लिमिट करने की बात की गई थी दीज आर ऑल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज ठीक है नेक्स्ट इज मट्रियाल अमेंडमेंट नॉट मॉन्ट्रियाल प्रोटोकॉल बट मियाल अमेंडमेंट ठीक है इसमें कहा गया कि शुरुआत में तो एच सी एफ सीज के लिए सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज की बात की गई थी है ना लेकिन इसमें डेवलपिंग कंट्रीज पर भी एच सी एफ सीज को फेज आउट करने की जो है मांग की गई ठीक है डेवलप कंट्रीज को मिथाइल ब्रोमाइड को कंप्लीटली फेज आउट करना था बाई टू थाउजेंड फाइव और डिवेलपिंग कंट्रीज को बाई टू थाउजेंड फिफ्टीन देन आफ्टर टू ईयर्स देर वॉज अ बीजिंग अमेंडमेंट ठीक है बीजिंग अमेंडमेंट में एच के प्रोडक्शन में और ट्रेड को कंट्रोल या कैप करने की कोशिश की गई ठीक है उसके अलावा जो कंट्रोल्ड सब्सटैंसेज है उसकी लिस्ट में ब्रोमो क्लोरोमेथेन को भी जोड़ दिया गया एंड इट्स फेज आउट वॉज टारगेटेड इन 2004 के 2004 तक इसको में जो है इसका फेज आउट करना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द अमेंडमेंट दैट वर डन अंडर द मॉन्ट्रीय प्रोटोकॉल वॉज द किगाली अमेंडमेंट गाली अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है 2016 में आया गया था इसमें यह था कि जो एच सी एच एफ सी जो हैं हाइड्रोफ्लोरोबन जो हैं ठीक है थीके? इनके प्रोडक्शन को और इनके कंजम्पशन को भी फेज आउट करना जरूरी है क्यों क्योंकि बाकी पहले हमने एच सी एफ सी पढ़े सी एफ सीज पढ़े ठीक है हमने सी सी एल फोर कार्बन टेट्रा क्लोराइड के बारे में पढ़ा ये सारे सब्सटैसेज बिल्कुल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटैंसेज थे लेकिन उसके जगह ऑल्टरनेटिव चाहिए था तो ऑल्टरनेटिव में हम लोग एच एफ सीज यूज करने लगा कि एच एफ सीज जो हैं वो डेट्रीमेंटल नहीं है ठीक है लेकिन बाद में क्या देखा गया कि जो एच एफ सीज है ना दीज आर मेजर ड्राइवर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है तो कि गालिम अमेंडमेंट में ये एच एफ सीज को भी फेज आउट करने की बात की गई ठीक है सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो इन दिस आर्टिकल फॉर द प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अगर ओजोन डिप्लीशन के बारे में मेंस में भी आता है तो आप लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिना कन्वेंशन की गाली एग्रीमेंट जो है इन सब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट है इंडिया अनाउंसेस फेस इंट्रोडक्शन ऑफ बायोगैस ब्लेंडिंग गवर्नमेंट ने ये बोला आपको पता है कि इंडिया जो है अपनी फ्यूल सिक्योरिटी इम्पोर्ट के बेसिस पर ही इंश्योर करता है हम लोग जो हैं सारे जो हमारे लिक्विड फ्यूल है के नेचुरल गैसेस है ये हम लोग नेचुरल गैस जो है ये इंपोर्ट करते हैं तो इंडिया ने नेचुरल गैस पर रिलायंस को कम करने के लिए क्या कहा है गवर्नमेंट ने कि वी विल स्टार्ट ब्लेंडिंग द कम्प्रेस्ड बायोगी विद नेचुरल गैस हम ब्लेंड या मिक्स करने लग जाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो नेचुरल गैस हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी एंड वी विल बी एबल टू कट डाउन ऑन आर इंपोर्ट एंड वी विल बी एबल टू प्रिजर्व आर फॉरेक्स्ट रिजर्व ठीक है ए बाई अप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव वन परसेंट जो है बायोगैस कॉम्प्रेस बायोगैस विल बी ब्लेंडेड अलॉन्ग विद द नेचुरल गैस फॉर कंजम्पन इन ऑटोमोबील्स एंड हाउस होल्ड्स ये गवर्नमेंट ने कहा है ठीक है एंड बाई ट्वेंटी ट्वेंटी एट दिस ब्लेंडिंग रेट विल बी इंक्रीज टू फाइव परसेंट ठीक है बायोगैस क्या है बायोगैस बेसिकली आपको पता है कि जो बायोमास होता है गाय का गोबर हो गया ह्यूमन वेस्ट हो गया ठीक है ह्यूमन सीवेज हो गया इनके फर्मेंटेशन और सड़ने की वजह से अ गैस इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट इज़ नोन एज बायोगैस इनके एनरोबिक डिग्रेडेशन uh, की वजह से ये बायोगैस बनती है इट इज़ कम्बस्टेबल जल जाती है बहुत ईजीली जैसे कि हमारी नॉर्मल एल uh, जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं वो जलती है ना उस तरीके से ये भी कम्बस्टेबल होती है और ये भी हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करती है इसका मेजर जो कॉन्स्टिटूंट uh, होता है वो होता है मेथेन गैस ठीक है ये आपको ध्यान रखना है अब कंप्रेस्ड बायोगैस क्या है अभी हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी ऊपर कंप्रेस्ड बायोगैस तो कंप्रेस्ड बायोगैस जो है देखिए बेसिकली बायोगैस जो होती है जैसे कि हम लोग सिलेंडर्स जो हमारे घर में कॉमनली गैस सिलेंडर्स यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है कि गैस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एंड गैस द वॉल्यूम ऑफ गैस इज हाई बहुत ज्यादा होती है वेरी मच मोर तो उसको क्या करते हैं प्रेशर कंडीशन मेंस्ड अ सिंगल एंड स्मॉल सिलेंडर तो इसी तरीके से बायोगैस को भी बिकॉज इट्स वॉल्यूम इज हाई इट इज कम्प्रेस्ड इंटू अ लिमिटेड स्पेस एंड दैट इज नोन एज कॉम्प्रेस्ड बायोगैस ठीक है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस में देखो मेजर कॉन्स्टिटुएंट मैथेन है तो मैथेन का कॉन्सेंट्रेशन नाइन्टी परसेंट से ज्यादा होता है एंड इट इज कमर्शियली वाइबल क्योंकि मैथेन इज हाईली कम्बस्टिबिल ठीक है नेचुरल गैस जैसा ही होता है और इसे ऑटोमोटिव फ्यूल की तरह भी यूज किया जा सकता है अगर प्रॉपर एंड इफ इकोनॉमिकल टेक्नोलॉजीज डिवेलप हो जाए तो सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो इन दिस आर्टिकल अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं नेक्स्ट इज फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन टू टैकल अर्बन पल्यूशन तो अभी आपको पता है कि दिल्ली में अभी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स का बहुत ज़्यादा जो है मैनेस क्रिएट हो रखा था एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था सीवियर कंडीशन में वेरी सीवियर कंडीशन में आ गया था स्पेशली डेली में ठीक है बिकॉज ऑफ द मैनेस ऑफ स्टबल बर्निंग एंड क्रैकर्स ड्यू टू क्रैकर बर्स्टिंग ड्यू टू दिवाली ठीक है तो इसी वजह से क्या हुआ कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कई सारी कंट्री सिटीज़ uh, में रेड जोन में चला गया इनका जो मेजर कंट्रीब्यूटर था दैट वाज पीएम 2.5 टू पॉइंट फाइव एम पी एम ठीक है पी पीएम टू पॉइंट फाइव और टेन जो है ये ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की वजह से निकलते थे पीएम का मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स ठीक है अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग अगर इलेक्ट्रिक अब इसमें न्यूज क्या है बेसिकली कि अगर हमें अर्बन पोल्यूशन की मेनेस को कर्व करना है अर्बन पोल्यूशन को टैकल करना है तो वी नीड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द फ्लीट दैट मीन जो मेजर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है ठीक है उनका इलेक्ट्रिफिकेशन जरूरी है दे हैव टू बी इलेक्ट्रीफाइड ठीक है तो उसके तहत ही हम लोग को एक चीज इसमें ये पढ़नी है कि ईवी कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है वो कौन कौन से होते हैं ठीक है थीके? तो उसमें है हाइब्रिड ईवीज हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हाइब्रिड में क्या होता है बेसिकली कि एक तो हमारा नॉर्मल जो फ्यूल ठीक है जो नॉर्मल हम पेट्रोल डीजल भराते हैं वो प्लस इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बैटरी लगी हुई होती है ठीक है तो इन दोनों का मिक्सचर होता है हाइब्रिड होता है ये ठीक है तो इससे क्या होता है कि फ्यूल का यूसेज भी कम हो गया क्योंकि कुछ लिमिट तक जो है इलेक्ट्रिसिटी से बैटरी से चल सकती है गाड़ी ठीक है तो ये होते हैं हाइब्रिड ईवीज ठीक है नेक्स्ट इज प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स ठीक है इसमें भी क्या होता है दोनों वो अपने पास में फ्यूल uh, वाला जो पार्ट है वो भी है इलेक्ट्रिक पावर भी है लेकिन इसमें जो बैटरीज होती है ना दे आर रिचार्जेबल ठीक है अगर बैटरीज डाउन होती है तो दे कैन बी प्लग इन टू अ पावर सोर्स ठीक है देन वी हैव द बी ठीक है इसमें क्या होता है कि uh, कोई भी फ्यूल टैंक नहीं होता है ठीक है एंड उसमें डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से ही ठीक है इलेक्ट्रिसिटी से ही गाड़ी डायरेक्टली चलती जो है जो नॉर्मल हमारी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं ना नेक्सॉन हो गया टाटा नेक्सॉन आ रही है आजकल इलेक्ट्रिक वाली एम की आ रही है निसान लीफ आ रही है तो ये प्रॉपरली सिर्फ बैटरी से चलती है रिचार्जेबल बैटरी से बैटरी डाउन हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करें एंड वो चलती रहती है ठीक है नेक्स्ट इज फ्यूल सेल व्हीकल्स ठीक है इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक मोटर के साथ में हाइड्रोजन फ्यूल यूज करते हैं ठीक है इसमें क्या होता है हाइड्रोजन का यूज होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं साथ में एंड दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी से वो मोटर रन करती है मोटर रन होती है और साथ ही जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वाटर का प्रोडक्शन भी होता है ठीक है तो ये हैं चार तरीके के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ठीक है अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर हाईली हाईली एफिशिएंट एमिशंस बहुत कम होते हैं इनका परफॉर्मेंस हाई होता है मेंटेनेंस कंपैरेटिवली कम होता है जो डीजल और जो हमारी पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं दे हैव टू बी सर्विस्ड रेगुलरली लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस तरीके की सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट्स कम होती है शांत होती हैं स्मूथली चलती हैं बिल्कुल आवाज़ नहीं करती हैं ठीक है इनका डिजिटल कनेक्शन जो होता है यानी कि ज़्यादा ये डिजिटलाइज्ड होती है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल व्हीकल्स ठीक है इनका जो पावर ट्रेन होता है जो मूवमेंट मैकेनिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है एक्सेलरेशन अच्छा होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थोड़े से भी रेस देने से बहुत फास्ट भागती है ठीक है और इनको घर में ही आप रात भर चार्ज करके ईजिली यूज़ कर सकते हो ठीक है डिसएडवांटेज क्या है आज भी इलेक्ट्रिक स्टोरेज वाली जो बैटरी आती है हमारी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ठीक है बैटरी चार्ज करने में टाइम लगता है ठीक है नॉर्मल घर की इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से अगर आप इसको चार्ज करेंगे ना तो दैट टेक्स टाइम ठीक है एंड कुछ हद तक जो हमारे इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज पर ये बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट करती है रेंज एनजाइट होती है यानी इनका भी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है तीन सौ साढ़े तीन सौ किलोमीटर हाइएस्ट रेंज होती है तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे ये गाड़ी ले जाना चाहें तो दैट इज़ अ वेरी बिग इशू ठीक है क्योंकि चार्ज होने में भी टाइम लगता है बैटरी डिग्रेडेंट डिग्रेडेशन कॉस्ट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में बैटरी डिग्रेड भी हो जाती है जो है जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स पर क्या होता है कुछ सालों बाद में मोबाइल फ़ोन की बैटरी चलती नहीं है या कम चलने लग जाती है तो दैट इज़ बैटरी डिग्रेडेशन तो इसमें भी गाड़ियों में भी ये इश्यू देखने को मिलता है अभी पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा सब्सटैंशियल नहीं है जयपुर और दिल्ली हाईवे पे जरूर चार्जिंग स्टेशंस बने हुए हैं बट दे आर नॉट सो efficient इससे इनडायरेक्ट पोल्यूशन होता है यानी कि इंडायरेक्ट पॉल्यूशन का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्शन बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का मेजर कंजम्शन जो प्रोडक्शन होता है वो हमारा थर्मल एनर्जी से होता है कोल से होता है तो कोल की बर्निंग ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोल की बर्निंग ज्यादा होगी तो इवेंचुअली इंडायरेक्ट पोल्यूशन हुआ ठीक है एंड लैक्स दी पावर टू एक्सेलरेट एंड क्लाइम क्विकली एक्स धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड बढ़े वो नहीं हो पाता इस बस फटाफट गाड़ी भागती है ठीक है और ओवरलोडेड बैटरीज की वजह से दीज व्हीकल्स आर कंपैरेटिवली हैवी सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो ये एडवांटेज एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पता होने चाहिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज इंपॉर्टेंट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल सेबी अप्रूव्स रूल्स फॉर इंडेक्स प्रोवाइडर्स तो अभी जो सेबी है उन्होंने हाल ही में इंडेक्स प्रोवाइडर्स मैं इंडेक्स में अभी आपको बताऊंगी इंडेक्स प्रोवाइडर्स के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड जो है अप्रूव किया है ठीक है अब इंडेक्स प्रोवाइडर्स होते कहें हैं ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि इंडाइसिस बनाते हैं इंडाइसिस जो होते हैं हमारे ठीक है जैसे कि निफ्टी फिफ्टी है ठीक है तो निफ्टी फिफ्टी जो है ये एन एस सी जो है वो बनाता है ठीक है ये एक जैसे कि पचास सबसे बड़ी कंपनीज जो हैं इंडिया की ठीक है जो कि एन पे यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उनका वेटेड एवरेज निकालती है और उसके बेस पर हमारे स्टॉक मार्केट का एक तरीके से इंडिकेटर देती है इंडाइस देती है तो इट इज़ एन इंडाइक्स ठीक है तो ये इंडाइक्स को मैनेज करती हैं और फॉर्मुलेट करती हैं इनका काम क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पहली चीज़ तो टू क्लासीफाई एंड डिफाइन मार्केट्स कि मार्केट ऊपर चल रहा है नीचे चल रहा है इंडियन मार्केट का क्या सिचुएशन है वो एक इंडेक्स प्रोवाइडर से पता चलेगा उसके अलावा ये रूल्स सेट करती हैं कि किन सिक्योरिटीज़ को किस इंडेक्स में कितना इंक्लूड करना है एन एवरी ठीक है इससे हमें ये भी पता चलता है कि स्टॉक्स को कैसे क्लासीफाई किया जाए ठीक है कि ये स्टॉक जो है हेल्थ केयर का है ये स्टॉक जो है ये ऑयल uh, का है ये स्टॉक जो है ये गैस का है ये डेवलपिंग स्टॉक है या इमर्जिंग स्टॉक है तो स्टॉक के क्लासिफिकेशन में भी ये इंडाइसीज हेल्प करते हैं एंड उसके अलावा इससे स्टेक होल्डर्स को और इन्वेस्टर्स को एक तरीके से मार्केट का ओवरव्यू मिल जाता है ठीक है तो इसमें एक इंडाइसीज मैंने आपको बताया निफ्टी फिफ्टी ठीक है तो निफ्टी फिफ्टी जो है एक इंडियन स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है जो कि हमारी लार्जेस्ट इंडियन कंपनी जो कि एनएससी पे लिस्टेड हैं उनके वेटेड एवरेज का जो है एवरेज के बेसिस पर सिचुएशन बताती है ऑफ द मार्केट ठीक है सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट इंडेक्स प्रोवाइडर ना वॉट इज सेबी सेबी आपको पता है कि सेबी एक्ट जो अपने पास सेबी जो है वो 1992 में एज अ स्टैचूटरी बॉडी बनाया गया था इसका हेडकोर्टर मुंबई के अंदर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है ये ठीक है एंड इसके चेयरमैन को नॉमिनेट करती है यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अलावा इसमें सात मेम्बर्स और होते हैं दो मेम्बर्स जो होते हैं वो यूनियन फिनंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स होते हैं ठीक है एक मेंबर जो होगा वो आरबीआई का होगा और बचे हुए पांच मेंबर्स जो होंगे वो यूनियन और गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करती है और उनमें से तीन जो होंगे वो फुल टाइम मेंबर्स होंगे ठीक है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कॉम्पोजिशन बट आपको ये पता होना चाहिए सेबी इज अ स्टेचुटरी बॉडी और अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर विच मिनिस्ट्री डज इट कम ठीक है ये सारी बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए आई होप सबको समझ आ गया होगा कि इंडेक्स प्रोवाइडर्स क्या होते हैं नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल government पैनल targets फॉर ब्लेंडिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल with atf from 2027 फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन ठीक है तो जैसे कि हमारी नॉर्मल गाड़ी जो होती है उसमें पेट्रोल या डीजल डलता है उस तरह से हमारे जो एयरप्लेन होते हैं उसमें एविएशन टर्बाइन फ्यूल डलता है ठीक है तो अभी नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है ठीक है उन्होंने टारगेट सेट किए हैं कि किस तरीके से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी कि ये थोड़ा इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है इस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को किस तरीके से एविएशन टर्बाइन फ्यूल के साथ में ब्लेंड या मिक्स करके एयर एयर एयरप्लेन्स में यूज किया जा सकता है ठीक है तो उसके लिए उन्होंने बेसिकली इंडिकेटिव टारगेट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए ठीक है ठीके? अब ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिया है ना एन ने अभी मैं बताऊंगी आपको नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी के बारे में भी तो ये जो फ्रेमवर्क है दे आर इन अकॉर्डिंग अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन ठीक है ये इसके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं ठीक है चीके? तो इसमें हमको जो दो टर्म्स पढ़नी है दोज आर फर्स्ट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस ठीक है तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन है इसे बनाया गया था 1983 में ठीक है एंड उसके अलावा ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि वर्ल्ड के सिक्योरिटी रेगुलेटर्स को साथ में लेके आती है ठीक है न सिक्योरिटी सेक्टर पर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को साथ में जाते सिक्योरिटी सेक्टर्स जो हैं उस अपनी जो सिक्योरिटी है फ्यूल सिक्योरिटी सेक्टर है उनके लिए ये काम करती है राइट ठीक है ये जी ट्वेंटी के फ्रेमवर्क के अंतर्गत भी काम करती है और फिनेंशियल स्टेबिलिटी फ्रेमवर्क बोर्ड के जो फ्रेमवर्क है उसके अंतर्गत भी काम करती है इसमें तीन तरीके के मेम्बर्स होते हैं ठीक है पहला है ऑर्डिनरी मेंबर्स हो सकते हैं एसोसिएट्स हो सकते हैं और एफिलियेट्स हो सकते हैं ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है अब हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी के बारे में ठीक है तो नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या है तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है और इसे बनाया गया था इसके चेयरमैन कौन होते हैं इसके चेयरमैन होते हैं मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ठीक है इसका काम क्या है कि बायोफ्यूल प्रोग्राम की पूरी बेसिकली uh, मॉनिटरिंग करते हैं ये ठीक है ये जो कमेटी है ये बायोफ्यूल प्रोग्राम जो हमारा बायोफ्यूल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है उसकी मॉनिटरिंग करेगा उसका इंप्लीमेंटेशन करेगा ठीक है इसमें अलग चौदह मिनिस्ट्रीज के यानी अदर देन द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम दो uh, अलग चौदह मिनिस्ट्री जो है दूसरी चौदह मिनिस्ट्रीज जो है उसके मेंबर्स भी होते हैं कौन कौन से मिनिस्ट्रीज है दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट बट ये ध्यान रखेगा बायोफ्यूल के रेगुल्यूश uh, रेगुलेशन के लिए द एन बी सी सी इज वेरी इंपॉर्टेंट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल आयुष्मान भारत सेंटर्स टू बी नाउ कॉल्ड आयुष्मान आरोग्य मंदिर तो यूनियन गवर्नमेंट ने एग्जिस्टिंग आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का नाम चेंज करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है वो चेंज करने की बात की है ठीक है टैगलाइन रहेगी इसकी आरोग्यम आरोग्यम परमम धर्मम धनम ठीक है अब इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ठीक है ये क्या है इनका नाम ही तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर होगा ना तो ये 2018 में चालू किए गए थे ये एक कॉम्प्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तरह काम करेगा और ये एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव डिस्पेंसरी की तरह, तरह काम करेगा जो कि यूजर्स के लिए फ्री रहेगी इसका काम क्या है वेलनेस सेंटर है तो कम्युनिटी की वेलनेस और कम्युनिटी को बहुत सारी फैसिलिटीज़ इंश्योर करना इसका फोकस रहेगा ठीक है इसमें मटर्नल और चाइल्ड केयर जो हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए बेसिकली यहाँ पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा और एल्डरली और पैलिएटिव केयर जो है बूढ़े लोगों को जो स्पेशल केयर चाहिए उसके लिए भी इसमें सर्विसेज होंगी ठीक है असेंशियल मेडिसिन यहाँ पर फ्रीली प्रोवाइड की जाएगी टेली कंसल्टेशन फैमिली फैसिलिटीज होगी यानी कि डॉक्टर अगर अवेलेबल नहीं है तो वीडियो कॉल्स के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है ट्रीटमेंट और सारा कंसल्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा उसके अलावा जो हमारी वेलनेस थेरेपीज होती है योगा हो गया मेडिटेशन हो गया ये सारी वेलनेस एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी तो दैट इज ऑल यू नीड टू नो इन दिस आर्टिकल फेमिसाइड एक टर्म आया था एक बहुत अच्छा टर्म था फेमिसाइड तो फेमिसाइड का मतलब क्या होता है फेमिसाइड का मतलब ये है कि महिलाओं को उनकी महिलाएं होने की वजह से फीमेल्स को उनके फीमेल होने की वजह से उनकी जेंडर की वजह से अगर मारा जाता है तो दैट इज नोन एज फेमिसाइड ठीक है फेमिसाइड के ड्राइवर्स क्या होते हैं लोग क्यों मारते हैं पहला है मिसोजनी एंड प्रेजुडेस अगेंस्ट वुमेन महिलाओं के लिए अगर किसी ने प्रेजुडेस क्रिएट कर लिया कि ये महिला है तो उस केस में फेमिसाइड जो है होने के चांसेस बढ़ जाते हैं फेमिसाइड होने के फेमिसाइड किसी भी एक्ट ऑफ किलिंग और फेमिसाइड मानने के लिए दो फैक्टर्स होते हैं पहला है कि देर इज एन एम्प्लाइड इंटेंशन टू कैरी आउट द क्राइम यानी कि वो पर्सन जिसने उसको मारा है फीमेल को वो इसी इंटेंशन से आया था कि आज मैं इसको मार दूंगा ठीक है एंड एक पूरा क्लियर इसमें एक लिंक होना चाहिए कि क्राइम इसलिए हुआ है क्योंकि वो फीमेल थी जेंडर की वजह से हुआ है ठीक है तो ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, तो दैट क्राइम विल बी कमिंग अंडर फेमिसाइड ठीक है फेमिसाइड में डोमेस्टिक वायलेंस ऑनर किलिंग्स डाउरी डेथ्स सेक्स सेलेक्टिव अवॉर्शन इन्फैंटिसाइड ठीक है विच हंटिंग ठीक है ये सारे जो हैं इसी के तहत फेमिसाइड की कैटेगरी में ही आते हैं इंडिया में विच हंटिंग का मतलब था तो डाकन प्रथा ये जो है डाकन है या चुड़ैल है इसको मार दिया जाए तो ठीक है तो दैट इज दैट ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फेमिसाइड ठीक है सो दैट इज ऑल इन दिस आर्टिकल नेक्स्ट इज ग्रीन लीफ वोलेटाइल्स इसको ऐसे समझिए आप लोग कि जब घास काटी जाती है तो जब फ्रेशली कट ग्रास होती है तो उसकी एक अलग सी खुशबू आती है है ना तो उसी तरीके से जब प्लांट्स डेंजर में होते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे कंपाउंड्स रिलीज करते हैं एयर में जिनकी स्मेल इतनी पंजेंट होती है कि लोग या जो जो जानवर हैं या जो अटैकर्स हैं या दूसरे प्लांट्स जो हैं दे कैन अंडरस्टैंड द वनिंग की डेंजर है तो अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स दैट अ प्लांट रिलीज इज इन टू एयर वैन इट इज़ इंजर्ड तो ग्रास को जब काटा जाता है तो इट फील्स कि उसको लगता है कि इट इज़ इन क्योंकि ग्रास इज़ ऑल्सो अ लिविंग थिंग है ना तो वो जो स्मेल रिलीज करती है ताकि बता सके कि डेंजर है यहाँ पर तो वो होते हैं ग्रीन लीफ वोलेटाइल्स इसमें सिक्स कार्बन कंपाउंड होते हैं ठीक है एल्कोहल्स एल्डीहाइड्स एस्टर्स ये होते हैं ठीक है हर एक प्लांट इस तरीके के जो है, हैं कंपाउंड रिलीज करता है तो जी या ग्रीन लीफ फोलोटाइल्स जो हैं वो डैमेज प्लांट्स के बारे में हमको क्लियर बताते हैं ठीक है डिफेंस रिस्पॉन्स बताते हैं कि प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग एंड दे ऑल्सो पोज डिफेंस रिस्पॉन्स वो भी डिफेंस रिस्पॉन्स देते हैं ठीक है तो जी एक टर्म आई थी सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि GLVs क्या होते हैं पूरा आर्टिकल वॉज नॉट इंपॉर्टेंट तो मैंने उसको आपको नहीं दिया है सो दैट इज ऑल फॉर टुडे इसमें हम लोगों ने ट्वेंटी सिक्स और ट्वेंटी ऑफ नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं कॉम्प्रीहेंसिवली इंडिया इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में से ऑल सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट